दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कनावरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान। कल रात मैं 8 बजे आपके सामने लाइव आया और लाइव आने के बाद मैंने आपको सभी प्रकार की सूचना दी। हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर पाया, जैसे जिला संबंधी है या जो भर्ती संबंधी जो प्रक्रिया है उसके बारे में। दोस्तों फ्री नोट्स पहल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो फ्री नोट्स पहल में आपके मैं आपको जो फ्री नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ वो डॉक्टर अमित किशोर के हैं। अमित किशोर जी ने मुझे एक बुकलेट उपलब्ध कराई है जिसमें लगभग 141 पन्नों की वो बुकलेट है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट 2018 राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ था उसकी बुकलेट डाली है। इसके अलावा बुक असिस्टेंट पेपर 2018 राजस्थान यूनिवर्सिटी KVS 2018 का और कर्मचारी चयन बोर्ड 2016 की जो भर्ती हुई थी उसका पेपर और उसकी आंसर और UKSSC लाइब्रेरी 2018 की और इसरो लाइब्रेरी 2018 उसका भी पेपर और उसकी आंसर की दोनों साथ डाली गई है। इसरो लाइब्रेरियन जो असिस्टेंट था 2016 में भर्ती हुई थी उसकी भी विद आंसर की और विद क्वेश्चन साथ डाले गए हैं और DSSB 2014 जिसकी आंसर की और प्रश्न दोनों साथ डाले गए हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ वो सीरीज़ मैं आपको आज उपलब्ध करवा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी दोस्तों, ये जो मैंने आज 8 या 9 जो प्रश्न वाली और उनके उत्तर लगभग 141 पन्नों में हैं वो मैं आपको आज उपलब्ध करा रहा हूँ डॉक्टर अमित किशोर के माध्यम से। तो दोस्तों इसके बाद में मैं दूसरा जो है उसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर हम 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ऐसी सामग्री हमें बताइए जिससे हम जल्दी से तैयारी कर पाएँ। तो मैंने फिर डॉक्टर अमित किशोर से बात करी, उन्होंने मेरे को एक जो गाइड है वो उपलब्ध कराई है। उस गाइड के माध्यम से आप पढ़कर और आप अपने आप को चयन कर सकते हो कि किस प्रकार से मेरी तैयारी है और किस प्रकार से नहीं है। तो आज आप डॉक्टर अमित किशोर के नोट्स प्राप्त करेंगे। दूसरा, भर्ती से संबंधित सूचना। भर्ती आपकी तय समय पे होगी और तय समय पे ही पेपर होगा। मैंने अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए मैसेज छोड़ा था, आप उस पर अमल करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोगों का जो दर्द है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आप लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप बोर्ड अध्यक्ष से निवेदन करके मार्च तक का समय लीजिए और मार्च तक के समय में आपको एलिजिबल माना जाए। मार्च तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, परीक्षा तब तक आपकी जो डिग्री है वो तब कंप्लीट हो जाएगी। जिले के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिला अभी जब तक ये जो डॉक्यूमेंट्स ये जो आपके फॉर्म चल रहे हैं ये 1 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। 1 तारीख बाद में पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये डिस्ट्रिक्ट चयन किया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है कि या तो उदयपुर, जयपुर और कोटा में से आपके जो सेंटर हैं वो तय कर सकते हैं, बाकी जयपुर के ज़्यादा चांस है और उसके बाद में उदयपुर के। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि आपके जिला जो है ना उदयपुर और जयपुर हो सकता है। कल आप सभी दोस्तों ने मुझे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका आभार, आपका स्नेह और आपका प्यार मेरे साथ बना रहे। काफ़ी संख्या में मैसेज, काफ़ी संख्या में आप लोगों ने फ़ोन किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। कई लोगों के मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया दोस्तों, माफ़ करें। काफ़ी संख्या में होने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है और फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों अब आज आप ये फ्री नोट्स प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद बताएं कि कैसे आपको नोट्स लगे, और कल परसों मैं आपको इससे भी अच्छे और नोट्स उपलब्ध कराने वाला हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना कमल कनावरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान।